हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, पर मैं आज अच्छी नहीं हूँ। अभी बजा है 9 और मैं उठी क्या, जागी तो हूँ, रात से सो ही नहीं पाई। कल से मैं बोल रही थी ना आप लोगों को, सर्दी लगा है पर बुखार अभी भी नहीं है, पर नाक मेरा पूरा बंद। क्या चाहिए, नाक मेरा पूरा बंद, एकदम हालत बहुत खराब और पता नहीं अंदर अंदर बुखार है क्या, एकदम ये सब पाँव के नीचे एकदम जलन जैसा हो रहा है। मैं ज़मीन पे आके सोई हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। उन्होंने ही सुबह चाय बनाया, अभी पानी भी सब भर रहे हैं। पर आप जन्माष्टमी है, ओ हाँ, हम आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिसने जिसने व्रत रखा है आप लोग पानी पीजिएगा, क्योंकि गर्मी के लिए डिहाइड्रेटेड हो रहा है सबका शरीर। मैं भी तो अभी तक जस्ट लीकर वो बिना दूध के चाय पी हूँ, अभी नहाऊंगी पूरा उठ के एकदम अच्छा से, एकदम सिर में पानी देके, शैम्पू नहीं ऐसे पानी देके नहाऊंगी, फिर मैं भी पूजा करूंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या खाती हूँ क्या नहीं। पर मेरा आज तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं ये ब्लॉग में कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरा हाल कंटिन्यू करने जैसा नहीं है। पर मुझे लग रहा है नहाने के बाद अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ी देर अभी ऐसे ही मेरा आज जो जाएगा वो वाला ब्लॉग सोच के एडिट कर लेती हूँ, फिर उठ के नहाऊंगी। नहाने के बाद मुझे लग रहा है ठीक लगेगा तबीयत, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। हम दोनों यहाँ पे घर के बारे में ही बात कर रहे थे। आज अचानक से मेरा तबीयत ख़राब हो गया, वरना आज बहुत सारा काम था। यही वो बोल रहे थे कि छुट्टी लिया है घर के काम के लिए, लेकिन आज पता नहीं क्या होगा। और जो बिस्किट उन्होंने मुझे दिया था वो मुझे खाना नहीं था, इसलिए मैंने बोला दूसरा निकाल के दो। और बजा है अभी 10:30। मैंने एकदम शैम्पू करके अच्छा से नहाया है, अभी पूजा करूंगी और मेरी गोपाल भगवान जी अभी भी सो रहे हैं। मैंने कल क्या क्या लाया उनके लिए मैं दिखा दूँ। हमेशा तो ये गोपाल भगवान जी का ड्रेस, जड़ी बूटी ये सब का बना हुआ रहता है ना, तो मैं बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी कॉटन का ड्रेस, क्योंकि गर्मी में हम लोग ही नहीं पहन सकते इतना वो सब जड़ी का ड्रेस, तो इसलिए मैंने उनके लिए कॉटन का ड्रेस लिया कल। पर कॉटन का इतना छोटा में ना मिलता नहीं है, 2 ही था, मैंने ले लिया, मुझे इतना पसंद भी नहीं आया ये, फिर भी ले लिया क्योंकि मिलेगा नहीं बाद में। 2 कॉटन का ड्रेस लिया है। और पहले भी मैंने दिखाया था ना आप लोगों की मैंने एक बार इयररिंग लिया था भगवान जी के लिए, पर वो ठीक नहीं था। कल मैंने ये वाला लिया है, ऐसा भगवान जी ने। ये सब मेरी गोपाल भगवान जी का ऑर्नामेंट्स है जो कि मैंने रेडी कर लिया है, नहाने उनको नहलाने के बाद पहनाऊंगी। Thank you.
बहुत कुछ सोच के रखी थी कि आज पूरा उपवास रखूंगी, फिर अच्छा से शाम के टाइम मिलके पूजा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस तबीयत के चक्कर में। भगवान जी को शायद यही चाहिए था। जो भी हो, अभी मैंने भगवान जी को थोड़ा सा दूध, घी, मधु ये सब देके, शहद मतलब मुझसे बांग्ला में मधु निकल गया, ये सब देके नहला दिया है भगवान जी को। और ये नया ड्रेस है, नया ड्रेस मैंने कल जो लाया था ना, दो कॉटन का, उसमें से नहीं पहना, कि मुझे ऐसा लगा कि एक स्पेशल डे है आज उनका, तो गर्मी ठंडा ये सब सोच के मैं क्यों पहनाऊँ, जो थोड़ा सा अच्छा ड्रेस है वही पहनाऊंगी, तो इसलिए ये जरी का ड्रेस ही पहना दिया है मैंने। हे फ्रेंड्स, अभी बजा है 12 और मैंने पूजा किया एकदम शांति से धीरे धीरे, क्योंकि आज उन्होंने छुट्टी लिया है। एक्चुअली छुट्टी लेने का बहुत सारा रीज़न है, घर का काम रिलेटेड भी बहुत रीज़न था आज लेना था उनको, और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, पर तबीयत ठीक नहीं है लेकिन अभी बाहर जाना पड़ेगा मतलब मैंने बोला था नहाऊंगी एकदम पूरा बाल उल भिगो के तो अच्छा लगेगा। हाँ सच्ची में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है यार, ट्रीटमेंट मिल रहा है। और देखिए कितना सारा ब्रेड करके लाए, कौन खाएगा इतना, हम दो जन भी खाएंगे तो इतना खा पाएंगे क्या, हे भगवान। तो मैं नहा के आई हूँ, आने के बाद से अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने पूजा किया बहुत शांति से धीरे धीरे पूजा कर लिया है। नॉर्मली नानी माँ माँ मौसी सबको देखा है शाम के वक्त रात के वक्त ही जन्माष्टमी का पूजा करते हुए, तो मैं भी जब जब करती थी रात को ही करती थी, रात को क्या शाम के 6:30-7:30 ऐसे करती थी बस रह के, पर इस बार और हुआ नहीं, सोचा कुछ था हुआ कुछ और है, क्योंकि आज तबीयत उतना खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब हेडेक, फिर यहाँ पे पेन, यहाँ पे पेन, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं कि मैं एकदम चिल्लाऊँ ऐसा भी नहीं, पर हो रहा है तो इसलिए और रुकी नहीं मैं। फिर उन्होंने कहा आज मैंने छुट्टी भी लिया है तो मैं अभी जाऊंगा जाके घर का कुछ सामान देखना ये सब, तो मैंने बोला मैं घर में रह के क्या करूंगी, ब्रेकफास्ट खा के मैं भी निकल जाती हूँ, उनके साथ गाड़ी में ही बैठी रहूँगी या फिर जाऊँगी देखती हूँ। तो ब्रेड कल ही लाए थे वो, तो अभी देखिए इसको करके लाए, अभी मैं जेली जैम लगाऊंगी, कितना सारा यही प्रॉब्लम हो जाता है अगर लड़के लोग किचन में जाते हैं तो।
भी अभी खा लेती हूँ, खा के थोड़ा सा रेडी हो जाओ। चाय नहीं पीना है? चाय खावे हैं? रेडी हो जाती हूँ, हो चुकी हूँ रेडी। पता नहीं कितना जा पाऊंगी, मैंने बोल दिया है उनको, ऐसा भी हो सकता है आधे रास्ते से मैं लौट के आ जाऊंगी, कि बाहर आज धूप भी है बहुत और सर्दी के लिए अच्छा भी नहीं लग रहा है, फिर भी जा रही हूँ, क्या करूँ। ऐसा भी हो सकता है आधे रास्ते से लौट के आ जाऊंगी, ठीक है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ। इधर उधर दुकान करते करते बहुत टाइम भी हो चुका है, अभी 3:30 बज चुका है, बहुत भूख भी लगा है और घर में तो कुछ बनाया नहीं है। अभी अगर मेरा तबीयत ठीक रहता तो मैं घर में जाके फटाफट से बॉयल भात या कुछ बना लेती, लेकिन मुझसे तो अभी आज कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए पास में एक रेस्टोरेंट में आए हैं ढाबा में, और मैंने बोल दिया एकदम वेज देने के लिए विदाउट ऑनियन गार्लिक, तो हम लोग फटाफट से कुछ खा लेंगे, और मुझे नान खाने का बहुत मन भी कर रहा था तो इसलिए खा लिए है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और मुझे नहीं लगता है कि मैं घर जाके भी वीडियो कर पाऊंगी क्योंकि बहुत बुखार आ रहा है मुझे, जाते वक्त मेडिसिन लेके जाऊंगी। बाय फ्रेंड्स।